तावा। हे प्रभु, जो आपके भक्तजन होते हैं वो आपकी सांवली सलोनी मूर्ति को अपने हृदय में बसा के रखते हैं। मुझको लगता है कि चंद्रमा भी आपका भक्त है, उस भक्त चंद्रमा ने भी आपकी सांवली सलोनी मूर्ति को अपने हृदय में बसा रखा है। तो मुझको तो गोरे चंद्रमा के भीतर हृदय में बैठे हुए सांवले सलोने आप ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये है भक्त की दृष्टि। यही दृष्टि हमको प्राप्त हो, इसके लिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भूद्वीप वर्ष सरिद्रृण समुद्र पाताल दिंग नरक भागण लोक संसार गीता मया तो नृपाधुतमीश्वर से स्थूलम बपू सकल जीव निकाय धाम। और इसको व्यावहारिक रूप में हम कैसे लें, इसके लिए दूसरा श्लोक है, श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्मम रूपम भगवतो यति स्थूले निर्जितमात्मानम सनि सूक्ष्मम धिया नयत। एक और उदाहरण और इसके बाद आगे बढ़ चलेंगे। जनकपुर का ब्याह मंडप है, जनकपुर का ब्याह मंडप है। पिता श्री जनक जी अपनी बेटी लाडली जानकी को अपनी गोद में बिठा करके, जंघा पर बिठा करके, और श्री राम जी के हाथ में इनका हाथ सौंप रहे हैं। जानकी को उत्कंठा है, इस समय मेरे स्वामी की झांकी कैसी लग रही है मैं देखती, आज की निर्लज्ज कन्या नहीं है जो यूं बगल में बैठे हुए दुल्हा की ओर देखे। लगता था कि उनको देखे बिना सूख जाएंगी, लेकिन हरियाली आ गई। कैसे, प्रभु का मुखचंद्र दिखाई पड़ गया, प्रभु इधर है, दृष्टि इधर है, तो प्रभु कैसे दिख गए। बोले, निज पाणि मणि मऊ देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की चालती न भुज बल्ली विलोकन बिरह भय वस जान की। दुल्लह श्री रघुनाथ बने दुल्हिन सी सुंदरी मंदिर माही गावती गीत सबै मिली सुंदरी वेद ऋचा जुरी विप्र पढ़ाई राम को रूप निहारत जानकी अपने कंगन के नग की परछाई याते सबै सुधि भूली गई करटे की रही पलटारती नाई। जानकी अपने कलाई की ओर देख रही है, कलाई को देख रही है ना, कलाई में कंगन लगा है, कंगन को देख रही है। बोले, कंगन को देख रही है? बोले, कंगन को भी नहीं देख रही है, कंगन में जड़ा हुआ नग है, नग की ओर देख रही है। नग को देख रही है? बोले, नग को भी नहीं देख रही है। देखने में ऐसा लगता है कि कलाई की ओर, कंगन की ओर, नग की ओर देख रही है, लेकिन वास्तव में उनसे पूछा जाए कि तुम किसकी ओर देख रही हो, बोले कि देखे में तो देखे सिया, देखने में तो देख रही है किसको, बोले कंगना के नगवा। देखने में तो कंगन और कलाई और नग को देख रही है, लेकिन वास्तव में देखे में तो देखे सिया कंगना के नगवा निहारे लगली। देखे में तो देखे सिया कंगना के नगवा निहारे लगली सिया पिया के बदनवा निहारे लगली पिया पिया के बदनवा निहारे लगली सिया पिया के बदनवा हथवा नहीं लेला ना डोले ले पुतरिया हथवा नहीं लेला उतारे लगली ही में उतारे लगली अपना ही राम सजनवा उतारे लगली अपना ही राम सजनवा निहारे लगली सिया पिया के बदन तो मंडप की बात है। इसके पहले भी फुलवारी में
देख चुकी है प्रभु को, हल्ला मत कर भाई बच्चे। ये किन के बच्चे है भाई? माता बालक रूप राम कर ध्याना। लेकिन अगर कन्हैया भी कथा में हल्ला करेंगे तो मैया से कह के उखल में बंधवाया जा सकता है। बलिहारी अभी महाराज जी की दृष्टि उसी परिमार्जित दृष्टि से आगे भी बच्चे हल्ला कर सकते हैं तो बच्चे के रूप में ही कन्हैया को देख। लेकिन कन्हैया भी कथा में हल्ला करेंगे तब तो उनको यशोदा मैया की दृष्टि से दिखवाया जाए। श्री हरे नाम। इससे भी पहले फुलवारी ने प्रभु को देखा, सिया जी ने, सखियों ने कहा कि बहुत देर हो रही है चलिए, तो चलने लग गई। लेकिन बार बार घूम घूम करके देखती है, क्या देखने के लिए? देखना तो प्रभु को है, लेकिन बहाना क्या बनाती है? देखन मिस मृग बिहंग तरु फिरई बहोर बहोर निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ी प्रीत न थोर। लौट रही है लेकिन मन में आया कि फिर प्रभु को देख लेती, चलते चलते भी प्रभु को देख लेती। अब बहाना क्या मिला? बोले कोयल ने कहा। अरे सखी ये कोयल किधर बोल रही है? कोयल को देखने के बहाने समझ रही है सखियां कि कोयल तो बहाना है, कोयल की ओर नहीं देख रही है, कोयल के बहाने उस काले को देख रही है। उधर से मन वो बहाना जब ओझल हो गया तब इसके बाद अभी चलती भी जा रही है। इसके बाद हिरन हरिन खड़ा है और अपलक दृष्टि से ताक रहा है, ये भी वही ताक रहा है। तो कहती है कि ये हिरण कहाँ ताक रहा है सखी? तो हरिना के आड़ लेके हरि के निहार ली। विचार लगली कठिन पिताजी के प्रणवा। विचार हरिन भी छलांग भरता हुआ कहीं निकल गया। अब क्या? बोले हरियर गछिया के आज वृक्षों में अजीब हरियाली, अजीब हरियाली। क्यों? इनके पीछे हरी छिपे है ना, तो हरी की हरियाली आज इन वृक्षों पे, हरियाली में भी अनोखी हरियाली बिखेर रही है। हरियर गछिया के पीछे में छिपल हरी तो हार लगली हर के हाथ अपन मनवा के। हार लगली हर के हाथ अपन मनवा। निहार लगली सिया पिया के बदन। यही भाव है इस पंचम स्कंद के अंतिम दो श्लोकों का कि जो कुछ जगत में दिखाई पड़ता है वह प्रभु का ही स्थूल विराट स्वरूप है। इसमें दृष्टि तुम्हारी जहां हो तो देखो अथवा सुनो स्थूल विराट को, लेकिन उसमें सोचो और चिंतन करो सूक्ष्म रमे हुए परम चैतन्य विराट को। श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्म रूपम भगवतो यति स्थूले निजित महात्मानम शनि सूक्ष्म ध्यानेत। अब तक आप लोग पंचम स्कंद की कथा सुन रहे थे, छठवें स्कंद में आपका प्रवेश हो रहा है। श्री परीक्षित जी कहते हैं कि निवृत्ति मार्ग कथिता आदव होता है था क्रम जो उपलब्धे न ब्रह्मणाय संस्कृति प्रवृत्ति लक्षण से त्रैगुण्य विषयों मुने वसावलीन प्रकृति गुण सर्ग पुनः पुनः अधर्म लक्षण नरकाश्चान वर्णिता। भगवान आपने प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग और इनके सुपरिणाम दुष्परिणाम इत्यादि की ओर इशारा किया। अधर्म करने वालों को नरक में जाना पड़ता है इत्यादि सब वर्णन किया। अब एक जिज्ञासा ये हो रही है कि अधुने महाभाग यथैव नरकान्नर नानोग्रयात नान्ये तन्मे व्याख्यात महर्षि। जो समझ चुका है कि यह कर्म गलत कर्म है, पाप कर्म है, इसका परिणाम नरक है, नारकीय यातना है और नारकीय योनियों का कष्ट है, वह जानबूझ करके तो गलत कर्म नहीं करेगा।
लेकिन मालूम नहीं था कि ये पाप कर्म है, और अनजान में दो चार कर्म ऐसे बन गए हो जीवन में जो है पाप कर्म, तो क्या जितना पाप कर्म बन चुका है उसके लिए नरक में जाना ही पड़ेगा अथवा बीच में संभल जाए? तो ऐसा भी कोई उपाय है जिससे कि नरकों में जाने से बच जाए? इस पर एक दृष्टांत देकर गुरुदेव समझाया करते थे, कहा कि जिसको पता चल गया कि सोने के थाल चांदी की कटोरियों में परोसा हुआ भोजन इसमें जहर मिला हुआ है, वो तो नहीं खाएगा, मरने के डर से नहीं खाएगा, मालूम हो गया कि जहर है तो नहीं खाएगा, मौत के घाट उतार देगा इसलिए नहीं खाएगा। मालूम नहीं था, दो चार कौर खा लिया उसके बाद पता चला कि इसमें जहर मिला हुआ है, तो क्या दो चार कौर जो खा चुका है उसके कारण उसको मरना ही पड़ेगा, या अभी उस मृत्यु से बचने की गुंजाइश भी हो सकती है? बोले हो सकती है। कैसे? बोले पहला काम तो ये करे कि चार कौर खा चुका है और तब पता चला कि इसमें जहर मिला हुआ है, तो पांचवा कौर जो उठा रह चुका है खाने के लिए, अब वह कौर न ले, अब वह कौर मुंह में न डाले न खाए, उसे फेंक दे। मतलब कि पाप कर्म करने के बाद जब पता चला कि पाप कर्म है इसका दुष्परिणाम नरक है, तो जितना कर चुका है उसके बाद अब उस आगे के गलत कदम को न उठाओ, गलत दिशा में कदम न धरे। और जितना पाप कर चुका है, जितना जहरीला भोजन कर चुका है, उसके लिए ऐसी कोई खुराक ले कि वो उल्टी करके और उस दो चार कौर जो भीतर जा चुका है, उसके साथ जो विष जा चुका है, वो भी बाहर हो जाए, तो जब बाहर उगल देगा तो अब उस जहर के प्रभाव से बच जाएगा। तो जितना पाप कर चुका है उसको उगले, पुण्य करे सो ना कहे, पाप करे प्रकाश, क्योंकि कहबे ते दोनों घटे, बरने गिरधर दास। उसके लिए पश्चाताप करे, हाय आज मेरे द्वारा ऐसी गलती क्यों हुई, और अब से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैंने आगे वो कौर अब नहीं खाऊंगा, अब से ऐसी गलती नहीं करूंगा, इसका संकल्प करे, और जो कर चुका है उसके लिए दवा लेकर उल्टी कर दे, प्रायश्चित करे उसका। प्रायश्चित तीन प्रकार के बताए गए हैं, वेदों के तीन कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांडगत प्रायश्चित, ज्ञान कांडगत प्रायश्चित और उपासना कांडगत प्रायश्चित। तो कर्म कांडगत प्रायश्चित से भी शुद्धि होती तो है, लेकिन बहुत हल्की शुद्धि होती है, फिर वह पापी का पापी ही रह जाता है। कैसे? तो बोले कि कर्मणा कर्म निराहारो न यात्यंत की स्थिति अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। श्री हरे नमः। जैसे कोई किसी ने पूर्व जन्म में किसी के बालक की हत्या करी थी, इसलिए इस जन्म में इसके बालक की हत्या हो गई, अब संतानहीन होकर के फिर मनोती मान रहा है, देवी आप अगर मुझे पुत्र का जन्म हो तो हम जड़भरत सरीखे किसी महापुरुष की हत्या करके बलिदान दूंगा। तो कहते हैं कि एक बलिदान है, एक हत्या के कारण तो उसकी उसके पुत्र की हत्या हुई, और दूसरी हत्या करके और अब पुत्र की आशा कर रहा है। तो कहते हैं कि हत्या से हत्या की पाप की शुद्धि नहीं होगी। छूटे मल की मलई के धोए, घृत की पाव कोई बार मिलोए, अथवा हत्या के बगैर अगर कोई सामान्य पुण्य के द्वारा कर्मकांड विधि से प्रायश्चित करना चाहे तो उसकी उसकी प्रायश्चित विधि कैसी होगी? बोले कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान की तरह। हाथी को एक तरफ से स्नान करा करके झक कर दिया जाता है, तब तक बाहर निकल करके दूसरी तरफ से सूंड में धूल बटोर करके अपने ऊपर झोंक करके फिर गंदा का गंदा ही रह जाता है। इसी तरह से कर्मकांडी क्वचित निवर्तते भद्रात और क्वचित चरतत पुनः, इसलिए यह हाथी के स्नान की तरह पुनः गंदा का गंदा रह जाता है। इससे ज्यादा जोरदार तगड़ा प्रायश्चित और शुद्धि है ज्ञान कांड वाली, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रमेण च दनेन च त्यागेन सत्सोचाभ्याम यमेन नियमेन च,
देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञ आश्रद्धान्विता क्षिपन जगम महदपि वेणुगुल मिवानला। तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा सम दम त्याग सत्य शौच यम नियम इत्यादि जो ज्ञान के साधन है, इनमें अपने साधन का बल रहता है, तो इन साधनों के द्वारा लोग अपने पाप को धो करके और शुद्ध होने की कोशिश करते हैं, तो कर्मकांडगत प्रायश्चित से ज्यादा इसमें शुद्धि होती है, लेकिन यह भी आत्यंतिक शुद्धि नहीं देता है। ये शुद्धि कैसी होती है? बोले वेणु गुल्म विवानलह, जैसे बांस के झुरमुट पर, अथवा इधर सरकंडा होते हैं, सरकंडा के झुरमुट को ऊपर से तो काट लेते हैं और उन पर आग धर देते हैं, तो ऊपर ऊपर से तो जल के झुलस जाता है, लेकिन भीतर उसके अंकुर रह जाते हैं, 10 दिन में फिर पनप आते हैं। गन्ना के खेत में लोग गन्ना काट करके और सूखे पत्ते जो निकलते हैं उसके डाल करके उसमें आग लगा देते हैं, तो ऊपर ऊपर से तो जल जाता है, लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद उसमें से पुनः भीतर के अंकुर और प्रस्फुटित होकर निकल पड़ते हैं। इसी तरह से ज्ञान कांडी अपने इन साधनों के बल पर अपने को शुद्ध करना चाहता है, तो जिस समय साधन करता है उस समय तो उसकी वासनाएं जल सी जाती हैं, लेकिन और अंतराल में छिपी हुई वासनाएं आगे चलकर उभर जाती हैं, इसलिए वह फिर उसके बंधन में ही रह जाता है, उसकी वह आत्यंतिक शुद्धि नहीं होती है। और तीसरे प्रकार की शुद्धि उपासना के द्वारा, भगवत शरणागति और भगवत भक्ति के द्वारा जो शुद्धि होती है, इसको सबसे जोरदार शुद्धि बताई है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंत कार्थनेन निहारमिव भास्कर। केचित् केवलया भक्त्या, इसमें केचित् शब्द देते हैं, कोई कोई, अधिकतर लोगों की प्रवृत्ति इसमें होती नहीं है। कहू कहू वृष्टि शारदी थोरी, को एक पाव भक्ति जीव मोरी। असंख्य प्राणियों में को एक हो धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटि में कोई विषय विमुख विरागरत हो। इस प्रकार से बहुत दूर पर जाकर के भक्तों की संख्या मिलती है, तो कोई कोई केवल भक्ति के द्वारा वासुदेव परायण होकर के और अपने पापों का आत्यंतिक निवृत्ति कर लेते हैं, आत्यंतिक शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इनकी शुद्धि कैसी होती है? न कुंजर शौचवत न वेणु गुल्म मिवानलह, बल्कि इनकी शुद्धि होती है निहार मिव भास्कर। जैसे सूर्य नारायण के उदय होने पर भले भादों की अमावस्या की घन घमंड से घिरी हुई अंधियारी रही हो, लेकिन सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार भी दूर हो जाता है। भले पूष माघ का तुषार पड़ रहा हो, कोहरा पड़ रहा हो, कुछ देर के बाद कोहरा भी समाप्त हो जाता है और सबको भेदन करके श्री सूर्य नारायण निकल आते हैं, तो सूर्य नारायण के निकलने के बाद फिर अंधकार बिल्कुल रह नहीं जाता है। इस प्रकार से भक्ति का, भक्ति के द्वारा जो शुद्धि होती है वो सबसे जोरदार तगड़ी शुद्धि होती है। कोई सोचे कि इससे भी और कोई ज्यादा तगड़ी शुद्धि होती होगी, बोले न तथा ये भगवान राजन पूये तपादि भी यथा कृष्णा अर्पित प्राण तत्पुरुष निसेवया। भक्ति के द्वारा भगवत चरणाश्रित संत सदगुरुजनों के माध्यम से भगवत चरणाश्रय लेकर के भगवत परायण होकर के जो भगवान की भक्ति की जाती है, इससे जितनी तगड़ी शुद्धि होती है ऐसी शुद्धि और किसी उपाय से संभव नहीं है। और उसके बाद ऐसी शुद्धि उसमें होती है कि उसके आगे अशुद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं, जो फिर और तगड़ी शुद्धि की खोज की जाए, परम पवित्र हो जाता है। अरे अपने पवित्र होता है, शुभ होता है महाराज, ऐसा भक्त तो मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, तो औरों को भी पवित्र करने वाला हो जाता है महाराज। इस तरह से भगवान नाम ग्रहण इत्यादि वाली जो भक्ति है, इस भक्ति से किसी की आत्यंतिक शुद्धि हुई है, तो इस पर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासी पति रजा मिल नामना न सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कान्य कुब्ज नगरी में, उत्तर प्रदेश का एक बहुत प्रख्यात नगर है, जिसको आज पहले कान्य कुब्ज कहा जाता था, अब कन्नौज बोलते हैं, जहाँ का इत्र बड़ा प्रख्यात है, उसी कान्य कुब्ज कन्नौज नगरी का रहने वाला एक ब्राह्मण का बच्चा, बड़ा विद्वान, बड़ा शील, शिष्टाचार से युक्त, सदाचारी, सब गुणों का वर्णन है, लेकिन भगवत शरणागत था ऐसा वर्णन नहीं है। भगवत शरणागति से रहित होकर के
और ये अनेक अनेक प्रकार के अपने लौकिक गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों का पालन किया करता था। एक बार कुसंग में पड़ करके पतित हो गया, कैसे? जंगल में कुसा समिधा फल फूल इत्यादि लेने के लिए गया था। वहीं पर एक चांडाल को देखा जो कि मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहा है और एक वेश्या को भी मदिरा पिलाकर उन्मत्त कर दिया है और दोनों अपने अपने वस्त्र फेंक दिए हैं और एकदम बेपर्द होकर के जानवरों की तरह जंगल में रमण कर रहे हैं, पशुओं की तरह। बस इसी दृश्य को देख करके वो विद्वान ब्राह्मण सदाचारी बालक अजामिल जिसका नाम था वो पतित हो गया, इसका मन बेहात हो गया और उसी वेश्या के साथ में ये लिप्त हो गया। श्री प्रियादास जी ने इस प्रसंग का भाव भक्तमाल की टीका में कवित छंद में वर्णन किया है। धरो पितु मातु नाम अजामिल साचो भयो, माता पिता ने नाम रखा अजामिल, तो अजामिल नाम उसका सत्य हो गया। कैसे? बोले अजामिल रहो छोड़ी तिया शुभ जात की। श्री हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री वासुदेव भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री हरमिलापी जी। बहुत जगह ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जहाँ लोग मंदिर और ठाकुर को जानते नहीं, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में ठाकुर की प्रतिष्ठा करा करके कितने हृदयों में प्रभु की प्रतिष्ठा कराने वाले श्री हरमिलापी जी महाराज। यहाँ भी श्री अनंत बांके बिहारी जी का मंदिर इधर कॉलोनी में विराजमान है। बोलिए भद्रचल भगवान की जय। निवेदन कर रहे थे धरो पितु मातु नाम अजामिल साचो भयो, अजामिल रहो छोड़ी तिया शुभ जात की। कियो मदपान सो सयान गई दूर डारो, गारो तनवाही सो जो कीनो लेके पात की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री वासुदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री लाडली लाल की जय। श्री भगवन नाम महाराज की जय। अजामिल ब्राह्मण बालक विद्वान सदाचारी लेकिन कुसंग में पड़ करके पतित हो गया, इसीलिए चेतावनी बार बार मिलती है। सर्प डसे केहरिग्र से ताहि भलो करिमान, ताहि भलो करिमान, दुष्ट को संग न कीजे। खल की मीठी बात जहर ज्यों जान न पीजे, घात करे मन लिए ज्ञान और ध्यान न भावे। योगानंद कुसंग साधु को व्याध बनावे, दुष्टन की दुर्जन की संगति तजो, दुष्ट संग अति हानि,
सर्प डसे केहरी ग्रसे ताई भलो करी मांग। मान लीजिए आप एक पतली गली में जा रहे हैं, 10-20 कदम आगे बढ़ने के बाद आगे से फुंकार मारता हुआ सर्प दिखाई पड़ जाए, आप उसके खतरे से बचने के लिए डर के पीछे लौटेंगे, लेकिन पीछे तब तक दुर्योधन, कंस, शिशुपाल, दंतवक्त्र जैसे दुर्जन, धुंधकारी सरीखे दुर्जन जयमाला लिए खड़े हैं। आइए हम अपने समाज का आपको नेता बनाते, हम आपको अमुक सिंहासन पर बिठाएंगे। आत्म कल्याणार्थी को किधर जाना चाहिए, इन दुर्जनों की जमात की ओर या सर्प की ओर? कहते हैं कि सर्प की ओर जाना पसंद करो, लेकिन इन दुर्जनों की जमात की ओर जाना कभी सपने में पसंद मत करना, क्योंकि दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जनः, सर्पो दंशति काले तु किंतु दुर्जनस्तु पदे पदे। हित की दृष्टि से सर्प ज्यादा अच्छा माना जाएगा, दुर्जन अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सर्प तो काल नहीं आया है आपका, तो आपकी छाती से गुजर जाएगा लेकिन दसेगा नहीं, और सर्प तो काल आने पर डसता है लेकिन दुर्जन पग पग पर डसते हैं और अपने दुर्विचार का विष उड़ेलते हैं। सर्प के डसने पर एक बार मौत होगी, दुर्जन एक बार डस दे तो 84 लाख बेर जायते वर्धते विपरिणमते पक्षीयते और विनश्यति के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। सर्प के डसने से शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन दुर्जन के डसने से आत्मा, मरने वाली वस्तु तो नहीं है लेकिन दुर्जन डस दे तो आत्मा मरी हुई जैसी हो जाती है। सर्प के दांत में विष होता है, बिच्छू के पूंछ में विष होता है, लेकिन दुर्जन के अंग अंग में, रोम रोम में, श्वास श्वास में, नस नस में विष होता है। इसलिए भैया सत्संग चाहे थोड़ा करो लेकिन कुसंग से बिल्कुल बचो। वो बेचारा सदाचारी विद्वान ब्राह्मण बालक अजामिल कुसंग में पड़ करके और वेश्यागामी शराबी कबाबी शिकारी लंपट हो गया। छोड़ी तिया शुभ जात की अपनी सुंदरी सुकुलोद्भवा सर्व सदगुण संपन्ना सती साध्वी पतिव्रता पत्नी और अपने माता पिता को ठोकर मारकर निकाल दिया और उसी वेश्या के साथ में रहने लगा, जिससे 10 पुत्र हुए, 9 तो बाहर खेल रहे थे, एक अभी अपनी माँ के पेट में था। उसी समय पूर्व का कोई पुण्य आ गया इसको अपना फल देने के लिए। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, एक संत आ गए बस्ती में, आए बस्ती वालों से पूछा कि भाई मुझे अयोध्या जाना है, इस कन्नौज नगरी तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, चलते चलते थक भी गया हूँ, रात भर के लिए कहीं आश्रय चाहिए, यहाँ कोई मठ मंदिर हो वहाँ आज रात भर विश्राम कर लूँ, मठ मंदिर न हो किसी भगत का मकान बता दो जहाँ जाकर के बरामदे में रात भर गुजारा कर सकूँ। बस्ती के कुछ दुष्टों ने सज्जनों से पूछा होता तो उन्होंने कोई और जगह बढ़िया बताई होती, जिससे पूछा वो लोग दुष्ट थे, दुष्टों ने कह दिया अजामिल भगत का घर पूछते चले जाओ बाबा, जो अजामिल घोर पतित हो चुका था अजामिल भगत कह करके बता दिया। महात्मा भोले भाले पूछते जा रहे हैं भैया अजामिल भगत का घर किधर है, लोग मुंह छिपा कर वस्त्र में हंस देते हैं, किसने बका दिया, किसी ने छेड़ा है, देखो क्या गुल खिलता है, बाबा यूं चले जाना, बाबा यूं चले जाना, बाबा यूं चले जाना। बाबा पहुंचे पूछते पूछते, किवाड़ खटखटाया, ओ अजामिल भगत, ओ अजामिल भगत। अजामिल भगत उस समय घर पर नहीं थे, ठेका देशी शराब की दुकान पर मदिरा पीने के लिए गए थे। भक्तानी निकली, वही वेश्या निकली जी, और लिखा है कि करी परिहास काहू दुष्ट ने पठाए साधु, आए घर देखी बुद्धि आई गई सत्व की, शरद ऋतु में क्वार के महीने में सूरज की बड़ी तीखी धूप होती है, उस तीखी धूप की गर्मी से बेचैन प्राणी
शांति पाता है कब, जब रात्रि में पूर्ण चंद्र का उदय होता है, तो शरदा तप निशि अपहरई, कैसे बोले संत दर्श जिमि पातक तरई। आज एक निर्मल संत को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा, उस वेश्या की सात्विकी बुद्धि जागृत हुई, तमोगुण धुल गया, पातक हरई पातक टरई, पातक टर गया, सात्विकी बुद्धि उसकी जागृत हुई, रो पड़ी, हाय जीवन भर पाप प्रपंच किए हैं, कुकर्म में बीता जीवन, आज मेरे किस पुरातन पुण्य का उदय हुआ है जो मेरे दरवाजे पर संत पधारे। ऐसे निर्मल संत पूछ रहे हैं अजामिल भगत कहाँ है, किसी ने धोखा दिया है, जिसने धोखा दिया है वो इसका फल भुगतेगा, हमें इन्हें धोखे में नहीं रखना है, खुलकर बता देना चाहिए, बाबा अजामिल का घर तो यही है, लेकिन अजामिल भगत का घर नहीं, अजामिल पतित का घर है बाबा। फिर भी यदि आप कृपा करके पधारे हैं और हमारी सेवा से आपको प्रसन्नता हो, तो आपकी सेवा करके हम अपने को सौभाग्यशाली समझे, आंखों में आंसू देखे, वाणी में दीनता देखी। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।